नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के साथ पड़ोसी देश और उसके साथ लगी सीमाओं की लंबाई तथा उससे कौन कौन से भारतीय राज्य कौन कौन से भारतीय राज्य उनके पड़ोसी हैं। तो आइए हम पहले एक एक करके सारे सारे कंट्री को डिस्कस करेंगे। टोटल सात आपके जो टोटल पड़ोसी देश हैं वो सात हैं, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सात पड़ोसी देश हैं। तो हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो पहला देश है आपका बांग्लादेश। फर्स्ट कंट्री जो आता है वो है आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? इसकी सीमा की लंबाई है आपका 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। अब बांग्लादेश से जो सटे हुए भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन है? असम, दूसरा है आपका मेघालय, तीसरा है आपका मिजोरम, चौथा है आपका त्रिपुरा और पांचवा है आपका पश्चिम बंगाल। असम की राजधानी किधर है? दिसपुर। मेघालय की राजधानी? शिलांग। मिजोरम की राजधानी? इम्फाल। त्रिपुरा की राजधानी? अगरतला। और पश्चिम बंगाल की राजधानी? कोलकाता। तो आपको राज्य राजधानी भी याद रखना है, साथ में याद रखना है कि इस राज्य से सटे हुए कौन सा देश है। तो बांग्लादेश से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और टोटल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4096.7 किलोमीटर। ये था बांग्लादेश का। अब अगला देश है आपका चीन। चीन की बॉर्डर की लंबाई कितनी है? चीन की बॉर्डर की लंबाई आपका है 3488 किलोमीटर। और चीन की राजधानी किधर है? बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और जो चीन से सटे हुए भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा है आपका उत्तराखंड, चौथा है आपका सिक्किम और पांचवा है आपका अरुणाचल प्रदेश। और जम्मू कश्मीर की राजधानी किधर है? श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है। तो टोटल आपके जो हैं आपका 3, 2, 5 राज्य चीन से सटे हुए। अब सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो आपको ये सब इसके आपकी राजधानी भी आपको याद रखने हैं और साथ ही इसके जो लंबाई है यानी जो सीमा की लंबाई है वो है आपका 3488 किलोमीटर। और जो जो राज्य सटे हुए हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से सटे हुए, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में जनरली लंबाई पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे आपका कि हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ कौन सा देश है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अब अगला आपका देश है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान तीसरा जो देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। अब पाकिस्तान से जो सटे हुए भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला आता है आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा जम्मू कश्मीर। तो ये चार भारतीय राज्य पाकिस्तान की बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं जनरली, आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान से सटा हुआ कौन सा, मतलब राजस्थान का बॉर्डर कौन सा है या फिर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कौन से राज्य के सीमा के साथ टच होता है, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान। इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो तीसरा जो देश था वो है पाकिस्तान, इसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। अब चौथा है आपका नेपाल की राजधानी कहाँ है?
काठमांडू, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। अब नेपाल की सीमा के सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और जो नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका बिहार, तीसरा है आपका पश्चिम बंगाल, चौथा है आपका सिक्किम और पांचवा है आपका उत्तराखंड। तो ये पांच राज्य जो हैं आपके नेपाल से सटे हुए, यानी इन राज्यों का जो बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, ये दोनों एक आपस में मिला हुआ है। तो टोटल जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है आपकी? 1751 किलोमीटर। ये आपको आपके लेंथ जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ जो है हर एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगला देश है आपका म्यांमार। अब इसका अगला स्टेट, अगला कंट्री है म्यांमार। तो म्यांमार के टोटल सीमा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और म्यांमार से सटे हुए जो भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका नागालैंड, तीसरा है आपका मिजोरम, चौथा है आपका मणिपुर। तो ये चार राज्य जो हैं म्यांमार के सीमाओं के साथ लगे हुए हैं। और म्यांमार के साथ जो सीमा लगी हुई है तो सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। अब अगला आपका है भूटान। जो अगला देश है भारत के पड़ोसी देश में वो है आपका भूटान। अब भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और जो भूटान से सटे हुए भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आता है सिक्किम, दूसरा आता है असम, तीसरा आता है पश्चिम बंगाल और चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों राज्य जो हैं भूटान के साथ, भूटान की सीमाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो टोटल भूटान के साथ जो जुड़े हुए हैं सीमा की लंबाई क्या है, बॉर्डर की लेंथ कितनी है आपकी? 699 किलोमीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो है आपका अफगानिस्तान। जो सातवां भारत का पड़ोसी देश है वो है आपका अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर, पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको पीओके बोलते हैं आप। और फिर अफगानिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं आपका? जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत है। जो आपका पाक अधिकृत है वो आपका जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, जो पाक अधिकृत है वहाँ पे एरिया, वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं। तो आपका जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत। और जो टोटल लंबाई है अफगानिस्तान के सीमा की वो है आपका 106 किलोमीटर, पीओके का एरिया। तो ये थे टोटल आपके भारत के सात पड़ोसी देश, उसके साथ सीमाओं की लंबाई और किस देश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आप सारे को नोट कर लीजिए, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।